हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो एक बार फिर से बता दूं कि BGMI और PUBG मोबाइल का एलन वॉकर के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, जिससे रिलेटेड हमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलने वाले, थीम सॉन्ग देखने को मिलेगा और परमानेंट रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग टाइप के इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। फ्री के रिवॉर्ड्स भी अगर आपको चाहिए तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो हमारा इवेंट होने वाला है, कोलैबोरेशन होने वाला है, वो कुछ होने वाला है एयर ड्रॉप कार्निवल करके, जो कि यहाँ पर PUBG मोबाइल के अंदर बात करूँ तो 4 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 4 अगस्त से हम लोगों को ये वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें कि BGMI के अंदर कब तक आएगा, तो बता दूँ कि BGMI के अंदर जब तक यहाँ पे हमारा 2.7 का अपडेट आएगा और उसके बाद ही हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों को जैसे ही एक बार ये सारी चीज़ें BGMI के अंदर देखने को मिलेगी, तो सारे जो भी रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, सब कुछ हमें इसके अंदर भी मिलेगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कुछ रिवॉर्ड्स, तो बता दूं कि 4 साल के बाद एक बार फिर से यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कुछ इवेंट देखने को मिल रहा है कोलैबोरेशन वाला एलन वॉकर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा जूम करके किस तरीके का ये सारा कुछ इवेंट होगा। तो देख सकते हो, सबसे पहले आपको दिख जाएगा न्यू कोलैबोरेशन थीम सॉन्ग, आपको दिखेगा लैंड ऑफ द हीरोज करके, जहाँ पर हम लोगों को इनका सॉन्ग थीम सॉन्ग देखने को मिलेगा। एंड नीचे हम लोगों को एक यहाँ पर कोलैबोरेशन सीरीज आउटफिट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं आउटफिट भी दिखा दे रही जूम करके पूरा, एंड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी आउटफिट लग रही है। पिछली बार भी जब इवेंट आया था तो बहुत सारे हम लोगों को फ्री के रिवॉर्ड्स देखने को मिले थे और परमानेंट रिवॉर्ड्स भी हमें मिले थे। तो देख सकते हो गाइस, इस तरीके की हमारी ये वाली आउटफिट होने वाली है, जो कि जैसे ही हमारा इवेंट आएगा 4 अगस्त के बाद, तब हमें ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, ऐसी ही तरह की आउटफिट हम लोगों को और भी देखने को मिलेगी, जो कि हमारे इवेंट जितने भी आने वाले उसके अंदर से वोटिंग करके मिलेगी। तो किस तरीके से हम लोगों को वोट करना है, क्या कुछ और भी रिवॉर्ड्स है, उनको लेकर भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चलो बता देती हूँ किस तरीके का इवेंट होगा। तो सबसे पहले देख सकते हो, अभी जो हमारा PUBG मोबाइल है, इसके अंदर एक इवेंट चल रहा हुआ कुछ वोटिंग करके, एंड इसके अंदर हमारा जो कोलैबोरेशन होने वाला है उसी से रिलेटेड वोट करनी है। एंड जहाँ पर हम लोगों का जो न्यू वाला कोलैब होगा उसके अंदर हमें ये आउटफिट देखने को मिलेगी। तो देखो एक एक करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें देख सकते हो बहुत सारे आउटफिट्स देखने को मिल रहे हैं भर भर के। तो इसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा कि सिंपली यहाँ पे आना है, एंड इसके बाद जो भी आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रही है उसको यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ वोटिंग टिकट मिलेगा, जिसका यूज़ करके आपको बेसिकली वोट करना है जो भी आउटफिट आपको पसंद है उसको। तो यहाँ पर जो भी आउटफिट यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट किया जाएगा, वो आउटफिट यहाँ पर हम लोगों को आने वाले कोलैबोरेशन में मिलेगी। जैसा कि ये देख सकते हो, हम लोगों को एक आउटफिट देखने को मिल रही है, सेकेंड वाली भी देखने को मिल रही है, एंड थर्ड वाली, मतलब कि यहाँ पे जो टॉप 3 आउटफिट है, ये तीनों हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि देखने को मिलेंगे आने वाले यहाँ पे कोलैब के अंदर। अब BGMI के अंदर क्या ये वोटिंग वाला टाइप का कुछ आएगा? तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोगों का जो भी यहाँ पर रिवॉर्ड सेलेक्ट होगा, जैसे कि जो टॉप 3 रिवॉर्ड है, वो तो हमें देखने को मिलेगा ही BGMI के अंदर भी। मतलब सिर्फ हम लोगों को वोट नहीं करना होगा, बट ये सारे रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे। बाकी यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। देख सकते हो एयर ड्रॉप कार्निवल, ऐसा हमारा जो इवेंट होने वाला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो रैंक अप विथ फ्रेंड, मतलब आपको अपने फ्रेंड के साथ कुछ मैचेस खेलने हैं, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लोग रैंक में आते हो तो आप लोगों का डबल काउंट होगा। फ्रेंड्स के साथ अगर आप लोग टीम अप करते हो तो आपको यहाँ पर डबल पॉइंट्स मिलेंगे, फिर जो यहाँ पर आपको डबल रेटिंग पॉइंट्स मिलेंगे, डबल आप लोगों को चैलेंज पॉइंट मिलेंगे 2 मैचेस के अंदर, डबल डबल आपको लाइक्स भी मिलेंगे जैसे ही मैच खत्म होगा। फिर आप लोगों का मैच जैसे स्टार्ट होगा, खत्म होगा, तो आप लोगों को डबल सीनर्जी भी देखने को मिलेगी, मतलब सब कुछ डबल डबल मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो, आप लोगों को सुपर एयर ड्रॉप अपग्रेड करके देखेगा, जहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे 18 तारीख तक आपका इवेंट चलेगा, 4 तारीख से लेकर, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को बेसिकली जो टोकन्स रहते हैं उनको कलेक्ट करना है, और जिनका यूज़ करके आप लोग आउटफिट वगैरह को ले सकते हो। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे कोई सी भी रिवॉर्ड्स है, जैसे कि नीचे से आप लोग ऊपर तक जा रहे हो रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने, तो आपका क्या हुआ कि अगर जितना भी आप लोग ऊपर जाओगे वो वाले रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे टोकन्स कलेक्ट करने के बाद, बट नीचे के जितने रिवॉर्ड्स हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मतलब ऊपर वाला जो भी आप लोगों का आएगा वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस नीचे का नहीं मिलेगा जो भी रिवॉर्ड है। तो आपको क्या करना है, बस आप लोगों को बहुत सारे टोकन्स कलेक्ट करने हैं। अब जितना ज़्यादा आप लोग टोकन्स कलेक्ट करो उतना ज्यादा आप लोगों को अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। मतलब जितने आप टोकन्स कलेक्ट करोगे, जितना ज्यादा आप लोग मेहनत करोगे, उतने अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उतने अच्छे आप लोगों को आउटफिट यहाँ से मिलेंगे। फ्री में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा कुछ इवेंट आया था तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे मिला था।
फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, थोड़ा और नीचे जाओगे तो समर सिनर्जी पार्टी दिखेगा, और इसके अंदर आपको बेसिकली कुछ मिशंस कंप्लीट करना है जहाँ पे आप लोगों को एयर ड्रॉप टोकन्स कलेक्ट करने हैं, और जो कि यहाँ पे हमारा इवेंट चलेगा 4 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में, जिसके अंदर आपको ये सारा कुछ यहाँ पे कलेक्ट करके एंड कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप और नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा इन मैच रिफ्रेशिंग स्पॉट्स करके। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि मैं बताई थी एक वीडियो में कि आपको क्या करना है कि आइलैंड टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जॉर्जो पुल रहता है उसके जी जहाँ पे लिखा रहता है उस साइड में, एंड जो हमारा न्यू वाला आइलैंड रहता है वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को कुछ एयर ड्रॉप वगैरह मिलेगा, जहाँ से आप लोगों को कुछ बोट्स वगैरह मिलेंगी, एंड उन बोट को आप लोग एक के ऊपर एक अटैच कर सकते हो, एंड देन आप लोग यहाँ पे क्या कर पाओगे कि इन मिशन को कंप्लीट कर पाओगे, एंड कुछ हम लोगों को अचीवमेंट भी ऐसा देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वही सारी कुछ आप लोग चीज़ों को जाकर और इन्जॉय कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे जितने भी डक बोट्स आपको दिखेंगे उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ बैठ के या फिर अकेले अटैच करके चला सकते हो। तो ये हो गया गाइस हम लोगों का पूरा ओवरऑल जितना भी कुछ आने वाला है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी इसके अंदर आप लोग फटाक से कॉमेंट बताओ, और बाकी वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से और शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और हाँ फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट से फॉलो कर लो ताकि आपको और भी ऐसी अमेजिंग अपडेट्स आगे भी मिलती रहे, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।